फाइनली टेबल टॉपर जीतते हैं मुकाबला, मुंबई जाती है 16 पर। नाम के आगे वो क्यू फॉर क्वालिफाइड नहीं लिखा है, पर लिखवा दीजिए, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट्स डन एंड डस्टेड। बैंगलोर दे आर स्लिपिंग। अब आज शाम को क्या कोलकाता हरा पाएगा चेन्नई को, या फिर कोलकाता अपने लिए रास्ता कर लेगा और कठिन। भैया देखिए, संडे को हुआ था काम शुरू, जहां पर पहले बैंगलोर हारा चेन्नई से, शाम को मुंबई हार गया राजस्थान से, फिर कोलकाता हार जाता है, फिर डीसी हार जाता है, यानी कि दिल्ली, और ऐसा लगा अब क्या होगा वेंसडे को। मतलब मान जाओ यार, टॉप जो भी टेबल पे ऊपर था ना, वो हार रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मलसी आ गई है, क्योंकि मुंबई जीत जाती है, 16 अंकों पर पहुंच जाती है, और पहली टीम 16 पे पहुंची, अभी भी 5 पहुंच सकती है, लेकिन होगा नहीं है, इट्स नॉट लाइकली टू हैपन। ट्रस्ट मी, मुंबई हैज क्वालिफाइड, ऑनेस्टली दे हैव क्वालिफाइड। अब मैं जरा आपको अपना मेन्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मुंबई ऑफ कोर्स इज ऑन 16, वील टॉक अबाउट दैट। बैंगलोर इज स्लिपिंग, वील टॉक अबाउट दैट। कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर, वील टॉक अबाउट दैट। यू मे ऑलरेडी नो कौन है ये। उनके बाद हम शाम की करेंगे बात। आज कोलकाता के सामने चेन्नई है, दुबई में मुकाबला है, क्या कोलकाता आगे जा पाएगा, या फिर अब वो चेन्नई नथिंग टू लूज ना, चलो दूसरों की पार्टियां खराब करते हैं, तो क्या वो वाल काम करने लगेंगे धोनी के धुरंधर जो है, मतलब धुरंधर कह सकते हो, लास्ट मैच जीते थे यार बैंगलोर के सामने। और फिर हम प्लेयर बैटल की बात करेंगे, देन वील पिक कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता, एंड देन ऑफकोर्स द विनर फॉर दैट प्रिडिक्शन। ठीक है, गलत प्रिडिक्शन। पहले तो बात करते हैं मुंबई की, क्यों, क्योंकि कोई बदलाव नहीं किया। यू आर ऑल होपिंग कि शायद रोहित आएंगे, सिक्का उछालने, नहीं आए, पोलार्ड आए, इसका मतलब दैट वॉज फोरगॉन कंक्लूजन कि कोई बदलाव नहीं करेंगे, रोहित अभी भी अनअवेलेबल हैं। टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला मेरे हिसाब से ठीक था। बैंगलोर ने 3 बदलाव किए यार, और ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगती है कि इस स्टेज पर आकर अगर आप अपने की प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट अ बिट। आपने जोशुआ फिलिपी को खिलाया और आपने फिंच को नहीं खिलाया। आई थिंक दे हैव टेकन अ कॉल कि हम फिंच को नहीं खिलाएंगे, बिग कॉल, इट्स बीन टेकन। मोइन अली को नहीं खिलाया, उनकी जगह इसुरु उडाना या स्टेन को खिलाने का सोचा होगा, मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए था इसुरु उडाना को, उन्होंने खिलाया स्टेन को। ओके, नवदीप सैनी इंजर्ड है, तो उनकी जगह शिवम दुबे आ जाते हैं। तो 3 चेंजेस, एक इंजरी के चलते और बाकी चॉइसेस के चलते, तो फिर दे डिसाइडेड टू डू दैट। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, देवधर पाडिकल आउटस्टैंडिंग, ये है भारत का सुनहरा कल, बहुत अच्छा खेले, अच्छा खेले जोशुआ फिलिपी, जबरदस्त एकदम ताबड़तोड़ शुरुआत, लेकिन उसके बाद लग गई ब्रेक। जब ब्रेक लगती है तो फिर आप एकदम से थम जाते हैं, क्योंकि बुमराह नाम का एक गेंदबाज है, आता है आंधी की तरह सबको उड़ा के ले जाता है। पहले तो वो कोहली को बाउंसर पे आउट करता है। फर्स्ट आईपीएल विकेट कोहली, 100th आईपीएल विकेट कोहली। लास्ट ईयर ऐसे आउट किया था पुल पे चन्ना स्वामी, इस साल अबूधाबी ऐसे आउट किया। ये खिलाड़ी बड़ा अनमोल है यार, ये कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही नोज कि मेरा बड़ा खास आदमी है यार। लेकिन ये जो इनका खास लेफ्टिनेंट था, इसने इनको भी आउट किया, उसके बाद एक ओवर में 2 और आउट किए, एबी को आउट कर दिया कैरम पोलार्ड की फुल टॉस ने, या कह दें वो आउट हो गए। कुल मिला के आप 164 तक पहुंचे, ये एक तारीफ योग्य बात थी कि जिस तरीके से मुंबई ने पुल बैक किया। और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आती है, विकेट्स गिरते जरूर हैं, लगता है कि गाड़ी फिसल जाएगी, पर इस टीम के अंदर ना बहुत सारे मैच विनर्स हैं। अंत में आप 5 गेंदे भी रह जाती हैं, आप मुकाबला भी जीत जाते हो, पोलार्ड भी हैं, सूर्या भी है, आई मीन मुंबई 16, आई थिंक दे हैव क्वालिफाइड। बैंगलोर दे आर स्लिपिंग, ऑफकोर्स दे आर स्लिपिंग ऑन दे, क्योंकि पहला आप हार गए संडे को, अब इसके बाद आप यहाँ भी हार गए, तो आप मुकाबले जब हारना शुरू कर देते हैं, चलो वहाँ तो चेन्नई से हारे थे, वो चोट लगी है, अब यहाँ तो मुंबई से हारे हो, कोई बात नहीं, पर आने वाले 2 मुकाबलों में से एक दिल्ली से और दूसरा है हैदराबाद से। हैदराबाद इज ऑन द राइज भैया, थोड़ा सा स्टिकी, वो तो कहते हैं स्लिपरी स्लोप पे अपने आप को पा रहे हैं, 16 अंकों तक पहुंचना पड़ेगा। मे बी 5 टीमें अभी भी 16 तक नहीं पहुंचेंगी, मुझे लग रहा है 4 ही रह जाएंगी, अगर एट मोस्ट हो सकता है 14 पे भी क्वालिफाई कर जाए टीम, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। पर बैंगलोर का नेट रन रेट कोई बहुत अच्छा है नहीं, और यहाँ थोड़ा फंसना संभलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कोहली के बल्ले पे बॉल लगनी पड़ेगी, और कोहली और एबी के बिना ना इस टीम का होता नहीं है कुछ। दैट्स माई बिगेस्ट कंसर्न, बिगेस्ट वरी, कि जब वो अच्छा करते हैं तो बाकी अच्छा करते हैं, मतलब बाकी अच्छा भी करें, लेकिन अगर ये ना करें ना, इन दोनों में से एक भी ना अच्छा ना करें, तो फिर ये इनकी जो लुटिया है वो डूब जाती है। बॉलिंग में सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, वॉशिंगटन सुंदर ने पकड़ पकड़ के डालते रहते हैं, पर इन दी एंड द फैक्ट इज कि आप मुकाबला एक और हार गए, और बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, इफ यू स्टार्ट लूजिंग, इफ यू स्टार्ट चेंजिंग, आई मीन थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी रोजी। पर हैदराबाद वाला मुकाबला है मियाँ, याद रखिएगा, अगर वो जीत गए तो ठीक है, अगर कहीं नवाबों ने आपको धरपकड़ कर लिया ना, तो फिर बैंगलोर का इस साला कप नम दे, ये कहानी शायद कुछ बदलने से लग जाती है। सो आई एम स्लाइटली वरीड फॉर कोहली टीम नाउ। कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन बैंगलोर
एंड मुंबई, आई एम गोइंग विद स्काई, सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम इंडियन टीम में होना चाहिए था, T20I टीम में इनको जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया, बेचारे यहां बैठे हैं, पर इन्होंने कहा एंड में मैं हूं ना, संभाल लूंगा। आई लाइक दैट यार। अगर आप सामने वाली टीम के गेंदबाजों की बात करें तो उसमें मॉरिस भी हैं, स्टेन भी हैं, सिराज भी हैं, चहल भी हैं, वॉशिंगटन भी, दिस इज ए फुल इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप। मे नॉट बी द बेस्ट इन द टूर्नामेंट, पर अच्छा तो था, और उसके खिलाफ क्या अच्छी बैटिंग की, दूसरे रन पर विकेट गिर रही है, फिर भी वो खेल रहे हैं, बड़ा अच्छे सलीके से खेल रहे हैं। पहले इनके स्ट्राइक रेट को लेकर बात होती थी, लेकिन इस साल तो वो भी नहीं है यार, पावर प्ले के बाद भी खेलते हैं, बाद में ही आते हैं कई बार, और बहुत अच्छा खेलते हैं, अंत तक रन बनाते जाते हैं एट डबल क्विक पेस। I love him to bits. Sky, keep playing mate. अभी नहीं गए, बाद में नंबर जरूर आएगा, बस लगे रहना, छोड़ना नहीं है। सो ही इज माई कैस्ट सेलेक्टेड मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन मुंबई एंड बैंगलोर। अगर आपने इनको पिक किया था, फिर नीचे लिंक है फेसबुक पेज कैस्ट सेलेक्टेड, यू नो द ड्रिल, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखो। अब बात करते हैं, चलिए दुबई में मुकाबले की, यानी कि कोलकाता के सामने चेन्नई। चेन्नई पिछला मैच जीत गया, एंड देयर नथिंग टू लूज। अब सबको चांस दे रहे हैं, मोनू सिंह आप भी खेल जाओ, सैंटनर आप भी खेल जाओ, ऋतुराज आप भी खेल जाओ, जगदीश शर्मा आप भी खेल जाओ, सर पे से बोझ हट गया है कि भाई मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि कैंपेन तो ओवर हो गया ना, मतलब 60 टीमों का टूर्नामेंट है। पर कोलकाता पिछला मैच हार गई है, उससे पिछला मैच बड़े अच्छे अंदाज में जीत गई थी, लेकिन जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, इतनी ऊपर और इतनी नीचे, देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि करें तो करें क्या, अब इस टीम को करना क्या होगा, क्या टीम में कुछ बदलाव की गुंजाइश है। मैं तो थोड़ा सा वरिड हूँ स्लाइटली। पिछले मैच में तो मॉर्गन अच्छा खेले थे, शुभमन गिल भी अच्छा खेले थे, अब इन्होंने जो चार ओवरसीज खिलाए उसमें लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, नरेन एंड ऑन मॉर्गन। अगर आंद्रे रसेल इस मैच के लिए फिट हैं तो आप उनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? 100% खिलाएंगे। किसकी जगह खिलाएंगे? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, इस बात का जवाब शायद उनके पास भी नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नरेन तो उससे पिछले मैच में मैंने तो मैच वाला प्रदर्शन करके गए थे, लॉकी फर्ग्यूसन ने वो जो सुपर ओवर तो जितवाया ही उन्होंने था, जब से लॉकी आए हैं इनकी बॉलिंग अच्छी लगी है, पैट कमिंस ने भी अब पिछले कुछ मैच में तो बेहतर करना शुरू कर दिया, तो आप ड्रॉप किसको करोगे? पर आंद्रे रसेल को नहीं खिलाओगे, दैट विल बी अ ट्रैवेस्टी। सो दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट दे नीड टू आंसर। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा अभी उठा पटक चल रही है, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे, आई होप दैट गेट सेटल, मॉर्गन हैज टू बैट हायर अप द ऑर्डर। ये मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, कप्तान हो अच्छी फॉर्म में हो, आप सबको पहले भेज दे तो सबसे एंड में आ पाते। यू कैन नॉट बी द लास्ट बैट्समैन इन द बैटिंग लाइन अप, यू हैव टू बी द फोर्थ बैट्समैन, नंबर फोर, लेटेस्ट बाय नंबर फोर यू हैव टू बी इन, मतलब कुछ भी करो आपको नंबर चार पे खेलना है और वहां से आगे चलना है। लीड फ्रॉम द फ्रंट इज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मॉर्गन, बट अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि अब पोटेंशियल बनाना स्किन पे पैर रख चुके हैं, और चेन्नई कुड बी दैट टीम जो सबकी बन सकती है पार्टी पूपर। प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर, विकेट लेने में माहिर इमरान ताहिर, ताहिर के सामने मॉर्गन, क्विकन मुर्गन चलेंगे या फिर इमरान ताहिर चलेंगे, बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि दुबई का मैदान बड़ा है, दुबई के बड़े मैदान पे एज आई एम एज्यूमिंग कि वो आएंगे बैटिंग करने नंबर चार। कप्तान धोनी जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो कराएंगे नहीं, ये ताहिर को लेकर आएंगे, वहाँ से गूगली डालेंगे बार बार, और बड़ा मजा आएगा कि ये स्पिन अच्छी खेलते हैं और स्पिन के खिलाफ इम्तिहान होगा, बढ़िया होगा। हालांकि लेग स्पिनर बिश्नोई की लेग स्पिन पे आउट हुए थे पिछले मैच में, दैट वॉज शारजा, दैट वॉज अ स्मॉल बाउंड्री, लेकिन यहाँ तो बड़ी बाउंड्री होगी और सामने होंगे ताहिर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बैटल। वैसे बाय द वे हम कल कह रहे थे, हमने कहा था ये बुमराह वर्सेस कोहली की बैटल देखो, वो बैटल बड़ी अच्छी हुई। अब इस बैटल में कौन जीत सकता है? आई एम गोइंग विद ताहिर, मुझे लग रहा है बॉलर फिर जीत जाएगा ये वाली बैटल। कैस्ट्रो एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता, आई एम गोइंग विद इमरान ताहिर। यस, आई एम गोइंग विद इमरान ताहिर। मेरा दिल तो चाहता है वैसे कि कोलकाता जीते, मेरा दिल ये भी चाहता है कोलकाता कोई ऐसा खिलाड़ी हो जाए एकदम से मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर जाए, जैसे नितीश राणा ने उस दिन दी थी, या सुनील नारायण दे जाए, पर मुझे लग रहा है इस मैच में ना ये अपना जो पुराना चावल है ना, इमरान ताहिर इतने सालों से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 40 साल की उम्र में आधा ये टूर्नामेंट, मतलब 2/3 ऑफ द टूर्नामेंट बाहर बैठ के गुजार दिया, वो इस मुकाबले में मैच में नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, मतलब मेरे वो कैस्ट सेलेक्टेड मैच प्रोटेक्टर है। अगर आप इनको चुन रहे हैं, किसी और को चुन रहे हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, कैस्ट सेलेक्टेड के फेसबुक पेज पर जाइए, अपना वोट कीजिए, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकली यू स्टैंड अ चांस टू विन योरसेल्फ अ कैस्ट सेलेक्टेड गुडी। चलिए अब जाते जाते मेरी प्रेडिक्शन, आई एम गोइंग विद चेन्नई। यस, कोलकाता को मैं चाहता हूँ जीते ताकि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए, जो टॉप चार की गहमा गहमी है, पर पता नहीं यार, फीलिंग आ रही है कोलकाता इज जस्ट लूजिंग टीम, आई डोंट नो व्हाई, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई रियली लाइक। देख लेते हैं, वैसे अब नॉर्मल सी तो रिज्यूम हो गई है, जो बेटर है टेबल पे वो जीत रहा है, एटलीस्ट एक मैच तो जीता, मुंबई जीत गया, हो सकता है कोलकाता वही काम करते और चेन्नई को एकदम से उड़ा दे, पर अगर नहीं होता है ऐसा तो ज़्यादा हैरान मत होना, दिस इज दैट वीक, द वीक ऑफ अनसर्टनटीज, हफ्ता वसूली वीक कह रहा हूँ मैं इसको, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
जाते जाते लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। और 12 बजे भी एक अपना नहीं एक्चुअली अपनी तो आज फैंटेसी पिक, जी फैंटेसी पिक वो मैं पिक करने वाला हूँ, तो प्लीज़ डू वॉच द अदर वीडियो इज ऑल्सो कमिंग।